ओम शांति। अब हम कर रहे हैं 17 अगस्त की शुरुआत की रिकॉर्डिंग, जिसमें परमात्मा कहते हैं, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझ, सदा रूहानी मौज में रहने वाली विशेषात्मा भवा। रूहानी मौज क्या होता है उसको हम समझेंगे। संगम युग रूहानी मौजों में रहने का युग है, इसलिए हर घड़ी रूहानी मौज का अनुभव करते रहो। एक होता है जिस्मानी मौज, धन संपत्ति हो गई, है ना, रंगत हो गई, नाम मान शान मिल गया दुनियावी तरीक़ों से, और बहुत सारी चीज़ें अपने अपने जीवन में इकट्ठी कर लीं पदार्थों के रूप में, तो आप क्या होते हैं, जिस्मानी मौज में होते हो। लेकिन परमात्मा कहते हैं जिस्मानी मौज नहीं, रूहानी मौज। रूहानी मौज मतलब मैं कौन और मेरा कौन, और मुझे क्या बनना है, और मेरा भविष्य कितना उज्ज्वल है, सत्युग आने वाला है, मुझे परमात्मा ने सत्युग मतलब स्वर्ग, सत्युग मतलब स्वर्ग में जाने की टिकट दे दी है। तो बाकी सारी दुनिया इस दुनियावी चीज़ों के पीछे पड़ी रही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। इसी दुनिया में स्वर्ग बनाने की कोशिश करे इसी कलयुग को, तो उसमें मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे पता है कि ये कलयुग गया कि गया, स्वर्ग सत्युग आया कि आया, बस उस रूहानी मौज में रहना है। कभी किसी भी परिस्थिति या परीक्षा में मूंझना नहीं, क्योंकि यह समय अकाले मृत्यु का है। अगर मूंझ गए, दुखी हो गए, फंस गए, और परमात्मा को याद करने की जगह मुश्किलों के पीछे ही उनको सुलझाने में लग गए, तो परमात्मा कहते हैं कि ये अकाले मृत्यु का समय है, अपना समय मत वेस्ट करो, श्वासों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए परमात्मा को, शिव बाबा को याद करते रहो। छोटी छोटी बातों में, दुनियावी बातों में फंसो मत। थोड़ा समय भी अगर मौज के बजाय मूंझ गए, इंजॉय करने की जगह रूहानियत का, स्पिरिचुअल लाइफ को, अगर आप मूंझ गए दुनियावी बातों में, लौकिक बातों में, दुनियावी चीज़ों में फंस गए, और उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए, तो क्या याद रहेगा? परमात्मा तो याद नहीं रहेगा उस समय। उस समय वो वस्तु, वैभव, घर बार, संपत्ति, प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, बैंक बैलेंस, ये सारी चीज़ें याद आ गई, तो फिर गए। पोते वोते याद आ गए, बच्चे याद आ गए, बहू बेटियां याद आ गई, तो गए। आ जाए तो अंत मति सो गति क्या हो गई, फिर से जन्म लेना पड़ जाएगा, क्योंकि हमने संपूर्ण तरीके से नष्ट मोह नहीं हुए। इसलिए एवर रेडी का पाठ पढ़ाया जाता है। एक सेकंड भी धोखा देने वाला हो सकता है, एक सेकंड भी, एक क्षण। इसलिए स्वयं को विशेष आत्मा समझकर हर संकल्प, बोल और कर्म करो, और सदा रूहानी मौज में रहो। मैं विशेष आत्मा हूँ, हर घड़ी मुझे अच्छे संकल्प, अच्छे बोल, अच्छे कर्म करने हैं, तब जाकर ही मेरा हर श्वास सफल होगा। और अगर अभी श्वास में शरीर छूट जाए तो वो भी सफल हो जाएगा। मैं परमात्मा की याद में शरीर छोड़ूंगी, आत्मा, ये ज़रूरी है। ओम शांति।